हेलो पीपल होप यू आल आर डूइंग वेल आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 17, सेक्शन 18 एंड सेक्शन 19 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के बारे में इन तीनों सेक्शंस के बाद हमारा ये पूरा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन 17 कहता है पावर टू मेक रूल्स यानी कि इस एक्ट के अंडर किसके पास पावर है रूल्स बनाने की सो सबसेक्शन वन से इज द स्टेट गवर्नमेंट में विद अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वह रूल्स बनाएगी लेकिन रूल्स बनाने से पहले उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा उन रूल्स पर बाय द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट Subsection two says इन पर्टिकुलर एंड विदाउट prejudice टू द जनरलिटी ऑफ द foregoing पार सच रूल्स may प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द following मैटर्स नेमली अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है सबसे पहले तो ये कि स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी किसके अप्रूवल पर बनाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल पर बनाएगी किन किन चीज़ों में रूल्स बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट वो अब बताया है सबसेक्शन टू में सो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड एरिया विद इन विच दे आर टू एक्सरसाइज जूरिस्डिक्शन प्रोबेशन ऑफिसर्स का कैसे अपॉइंटमेंट होगा क्या अपॉइंटमेंट होगा क्या टर्म्स और कंडीशन हैं उनकी सर्विस की जितने भी दिन वो सर्व करेंगे उसमें क्या टर्म्स और कंडीशन होंगी कौन से एरिया में वो अपनी पावर को प्रोबेशन ऑफिसर अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे वो सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट बताएगी बी कहता है Duties of probation officers under this act and the submission of reports by them. जो वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे और और प्रोबेशन ऑफिसर की जो ड्यूटी है उनके बारे में भी जो भी रूल्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी द कंडीशन ऑन विच सोसाइटीज़ में बी रिकगनाइज फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन थर्टीन सेक्शन थर्टीन हमें क्या बताता है प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में कि प्रोबेशन ऑफिसर कौन होंगे उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो सोसाइटीज़ हैं वो भी प्रोबेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती हैं तो वो सोसाइटीज़ कौन से कंडीशन पर रिकग्नाइज करेंगी प्रोबेशन ऑफिसर को ये भी बताएगा स्टेट गवर्नमेंट द पेमेंट ऑफ रिनमेशन एंड एक्सपेंसिस टू प्रोबेशन ऑफिसर्स और ऑफ अ सब्सिडी टू एनी सोसाइटी विच प्रोवाइड्स प्रोबेशन ऑफिसर्स ये सारी चीज़ें भी स्टेट गवर्नमेंट बताएगा एंड एनी अदर मैटर विच इज़ टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड कोई भी अगर दूसरा मैटर है जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो सारी चीजें बताएगा स्टेट गवर्नमेंट ऑल रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन एंड शैल एज सून एज मे बी आफ्टर द मेड बी लेट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास उसको ले डाउन कराना पड़ेगा ठीक है अब बात करते हैं सेक्शन 18 के बारे में सेक्शन 18 कहता है सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इनएक्टमेंट्स इसमें कुछ एक्सेप्शन बताए हैं कि ये वाला एक्ट इन चीजों पर अप्लाई नहीं होगा कौन सी चीजों पर अप्लाई नहीं होगा नथिंग इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन थर्टी वन ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट एटीन नाइनटी सेवन इस एक्ट में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सेक्शन थर्टी वन रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट के जो प्रोविजन है उसको किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा मतलब एक तरीके से समझ लो उस पर अप्लाई नहीं होगा ठीक है और सेक्शन टू ऑफ सेक्शन फाइव ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन सेक्शन फाइव का सेक्शन टू है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का उस पर भी ये जो एक्ट है अप्लाई नहीं होगा उस सेक्शन पर तो अभी ये जानना जरूरी नहीं है कि सेक्शन 31 और सेक्शन 5 क्या है इन दोनों एक्ट्स के सिर्फ ये जानना जरूरी है ये याद रखना जरूरी है कि सेक्शन 31 है रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट का और सेक्शन 5 सब सेक्शन टू है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का ये दोनों सेक्शन हमें याद रखने हैं और कोई भी ऐसा लॉ है जो कि जुबनाइल ऑफेंडर्स या बॉस्टल स्कूल्स के ऊपर अगर अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर किसी भी स्टेट में अगर जुविनाइल ऑफेंडर वाला जो एक्ट है अगर वो अप्लाई हो रहा है तो प्रोबेशन ऑफ उफ ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई नहीं होगा तो ये तीनों चीज़ें अभी सिर्फ याद रखना ज़रूरी हैं इसमें जो सेक्शन है वो याद रखना ज़रूरी है फिर सेक्शन 19 भी ऐसे ही कुछ एक्सेप्शन के बारे में बात करता है आपके जो बेयर एक्ट में लिखा होगा वो लिखा होगा सेक्शन 562 उसके ऊपर जो टू लिखा हुआ है उसका मतलब होता है अमेंडमेंट हुआ है इसमें इसमें चेंजेस हुए हैं तो आप नीचे अगर देखेंगे तो वहां पर सही सेक्शन अब जो अमेंडमेंट के बाद जो सेक्शन ऐड हुआ है वो लिखा हुआ है तो अब अमेंडमेंट के बाद जो सेक्शन है वो है सेक्शन 360 ऑफ द कोड कौन सा कोड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी सेक्शन 360 सीआरपीसी जो है डू नॉट अप्लाई इन सर्टेन एरियाज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18, सेक्शन 360 ऑफ द कोड शैल सीज टू अप्लाई टू द स्टेट्स और पार्ट्स देयर ऑफ इन विच दिस एक्ट इज ब्रॉड इनटू फोर्स क्या कहने का मतलब है इस सेक्शन का कि जहां पर सेक्शन 360, सॉरी जहां पर ये एक्ट अप्लाई हो रहा है जिस पार्ट पर जिस स्टेट पर यह एक्ट अप्लाई हो रहा है वहां पर सेक्शन थ्री सिक्सटी का अप्लाई नहीं होगा वहाँ पर सेक्शन 360 सिक्सटी का अप्लाई नहीं होगा तो अब आप, आप, आपको करना क्या है अपनी बी एक्ट पे जिस तरीके से मैंने उसको कट करके 360 लिखा है वो लिख लो ताकि और रेड पेन से लिखना ताकि आप जब भी आगे रिवाइज करो तो सबसे पहले नज़र उस पर जाए और वो चीज़ याद रहे ठीक है रेड पेन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बी एक्ट में आप करेंगे तो आ, आसानी रहेगी चीज़ों को रिकॉल करने में सीधे जब नज़र रेड पेन पर ही जाएगी तो वो सारी चीज़ें आप लोग को याद रहेंगी ठीक है तो आई होप आप लोगों को ये वाला एक्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा थैंक यू सो मच